हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाला हूँ 50 MCQs को। उससे पहले आप सभी को आंसर करना होगा लाइव चैट पर। आप लोगों को आंसर करने के लिए 10 सेकेंड्स टाइम दिया जाएगा। और एक ज़रूरी बात, जिन लोगों ने पहली बार सेशन को देख रही हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो या फिर नोटिफिकेशन डालूँ आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलते रहे। सो गाइज, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड वॉज प्रेजेंटेड सिस्टमेटिकली, तो भगवान के अस्तित्व के लिए औपचारिक तर्क व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन ए एंसेलम, ऑप्शन बी डेकार्ट्स, ऑप्शन सी लाइबनिज, ऑप्शन डी प्रोस्लोजियन, ऑप्शन ई कांट। तो इनमें से कौन सा होगा, चूज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शंस आपको खुद रीड करना होगा। ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर सिटिंग ऑन दिस सेशन आंसर दिस क्वेश्चन। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थ्री, ए बी सी एंड डी। तो जो ऑप्शन ई है कांट, वो तो ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, राइट? तो अब देखो, एंसेलम ने दिया है, डेकार्ट्स ने दिया है, लाइबनिज ने दिया है, और पोस्टलोजियन ये क्या है, ये एक ग्रंथ है, ये एंसेलम के द्वारा लिखा गया था, राइट? अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन व्हिच बुक डेकार्ट्स आर्ग्यूज एज फॉलोज, तो डेकार्ट्स किस पुस्तक में इस प्रकार तर्क देते हैं। आई कैन डाउट दैट माई बॉडी एग्जिस्ट, आई कैन नॉट डाउट दैट आई एग्जिस्ट, देयरफॉर आई एम नॉट आइडेंटिकल विथ माई बॉडी। तो ऑप्शन ए रिग्यूले, ऑप्शन बी डिस्कोर्स ऑन मेथोड, ऑप्शन सी मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसॉफी, या फिर ऑप्शन डी ट्रीटाइज ऑफ मैन। सभी को आंसर करना है, ठीक है? जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी डिस्कोर्स ऑन मेथड। तो डिस्कोर्स ऑन मेथड ये एक ग्रंथ है डेकार्ट्स की, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने ये जो तर्क है, आई कैन डाउट दैट माई बॉडी एग्जिस्ट, आई कैन नॉट डाउट दैट आई एग्जिस्ट, देयरफॉर आई एम नॉट आइडेंटिकल विथ माई बॉडी, ये दिया है। सब बस, अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एथिकल सेंटेंसेस आर अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल इज द पॉइंट ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एथिकल थ्योरीज। तो नैतिक वाक्य लोगों के दृष्टिकोण के बारे में है, वो बिंदु है जो निम्नलिखित नैतिक सिद्धांतों में से एक है। तो ऑप्शन ए इमोटिविज्म, ऑप्शन बी मोरल रियलिज्म, या फिर ऑप्शन सी यूनिवर्सल प्रेस्क्रिप्टिविज्म, या फिर ऑप्शन डी मोरल सब्जेक्टिविज्म। तो गाइस, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी मोरल सब्जेक्टिविज्म, राइट? तो एथिकल स्टेटमेंट्स आर अबाउट द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल। तो आप लोग ये याद रखिए कि जो एटीट्यूड्स ऑफ द पीपल है, ठीक है, और ये जब एथिकल स्टेटमेंट की बात हो रही है तो ये मोरल तो होगा, राइट? और एटीट्यूड्स मीन कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल की बात हो रही है, राइट? तो एक सब्जेक्ट की तरह जाएगा, तो ये मोरल सब्जेक्टिविज्म हो जाएगा, राइट? बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग एसर्ट्स पॉलिटिक्स हैव देयर रूट्स इन द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ मैन। तो निम्नलिखित में से कौन दावा करता है कि राजनीति की जड़ें मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में है। तो ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल, या फिर ऑप्शन बी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन सी श्री अरविंदो, या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो फ्रेंड्स, ये भी एक स्टडी क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल का ये उक्ति है कि पॉलिटिक्स हैव द रूट्स इन द स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ मैन, राइट? ये आप लोगों को याद में रखना होगा। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
तो फ्रेंड्स ये एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, ये लॉजिक का जो रूल्स है वो सारे दिया हुआ है, तो आप लोगों को मैच करना होगा। तो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ये कौन सा होगा, मोडस टोलेंस ये कौन सा होगा, ट्रांसपोजिशन ये कौन सा रूल होगा, और मटेरियल इम्प्लीकेशन ये कौन सा होगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्दी से मैच करो। तो आप देखो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म ये कौन सा रूल हो जाएगा, देखो पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज आर, देयरफॉर पी इम्प्लाइज आर, राइट। तो ए को टू से मिलाओ, तो देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन है ए बी और सी, राइट। अब देखो बी को मोडस टोलेंस ये कौन सा हो जाएगा, देखो पी इम्प्लाइज क्यू नेगेशन क्यू देयरफॉर नेगेशन पी, राइट। तो बी को फोर से मिलाओ, तो देखो यहाँ पर दो ऑप्शन में है ए और बी, तो सी तो डिलीट हो जाएगा, राइट। अब देखो सी ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन कौन सा रूल हो जाएगा, देखो पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंस टू नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी, राइट। तो देखो सी को वन से मिला दो, तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब मटेरियल इम्प्लीकेशन ये कौन सा रूल हो जाएगा, थ्री, तो देखो पी इम्प्लाइज क्यू इक्विवेलेंस टू नेगेशन पी वेल क्यू, राइट। बहुत बढ़िया, अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। डैश फिलोसोफी ऑफ एग्जिस्टेंस अंडरगोज ए रिफॉर्मुलेशन, दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सिस्टेंस इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो किसका जो फिलोसोफी है, ठीक है, अस्तित्व का दर्शन एक सुधर से गुजरता है, ये परिवर्तन आमतौर पर एग्जिस्टेंस के स्थान पर एक जिस्टेंस की अवधारणा द्वारा दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन ए हाइडेगर, या फिर ऑप्शन बी किरकेगार, या फिर ऑप्शन सी जे सार्त्रे, या फिर ऑप्शन डी के जस्पर्स। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर सिटिंग ऑन दिस सेशन, यस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हाइडेगर। तो ये एक स्टडी क्वेश्चन भी है, और आप लोगों को एक कीवर्ड याद रखना होगा कि रिफॉर्मुलेशन, राइट, और एग्जिस्टेंस। बहुत बढ़िया, हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रैग्मेटिज्म इज ए पार्ट ऑफ जनरल रिवोल्ट अगेंस्ट द ओवरऑल इंटेलेक्चुअल क्लोज्ड सिस्टम ऑफ, तो व्यवहारिकता की अत्यधिक बौद्धिक बंद प्रणाली के खिलाफ सामान्य विद्रोह का एक हिस्सा है। ऑप्शन ए आइडियलिज्म, या फिर ऑप्शन बी रियलिज्म, या फिर ऑप्शन सी नॉमिनलिज्म, या फिर ऑप्शन डी कॉन्वर्सेशनलिज्म। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए आइडियलिज्म। आप देखो यहाँ पर प्रैग्मेटिज्म वाज ए पार्ट ऑफ जनरल रिवोल्ट अगेंस्ट द ओवरली इंटेलेक्चुअल समव्हाट फेस्टिडियस एंड क्लोज्ड सिस्टम ऑफ आइडियलिज्म इन 19th सेंचुरी फिलोसफी, राइट। आप देखो द प्रैग्मेटिक मीनिंग ऑफ एन आइडिया बिलीफ और प्रोपोजिशन इज सेड टू रिसाइड इन द डिस्टिंक्ट क्लास ऑफ स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल कॉन्सिक्वेंसेस दैट रिजल्ट फ्रॉम द यूज एप्लीकेशन और एंटरटेनमेंट ऑफ द नोशन। इस बारे में पीर्स ने कमेंट किया है कि आवर आइडिया ऑफ एनीथिंग इज आवर आइडिया ऑफ इट्स सेंसिबल इफेक्ट्स, राइट। तो ये कोटेशन भी आप लोगों को याद में रखना होगा, तो जल्दी से इसको कॉपी में लिख लो। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, द आइडिया ऑफ द ह्यूमैनिटी ऑफ आवर गॉड और द डिविनिटी ऑफ मैन द इटर्नल इज द मेन सब्जेक्ट ऑफ दिस बुक। तो हमारे ईश्वर की मानवता का विचार या मनुष्य का दिव्यता शाश्वत कौन सा पुस्तक का मुख्य विषय है, ऑप्शन ए रिलीजन ऑफ मैन, या फिर ऑप्शन बी साधना, या फिर ऑप्शन सी गीतांजलि, या फिर ऑप्शन डी पर्सनालिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर सिटिंग ऑन दिस सेशन, यस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रिलीजन ऑफ मैन। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक गेज लगा सकते थे कि ये सारे जो ग्रंथ दिया हुआ है ये सारे के सारे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखा हुआ है, राइट।
और हमारा सिलेबस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ रिलीजन ऑफ मैन है, राइट। तो यहाँ से भी आप लोगों ने गेस लगा सकते थे, बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु एमंग द फॉलोइंग सब्सक्राइब्स टू द व्यू दैट नॉलेज इज इम्पॉसिबल इन द रियल ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स। तो निम्नलिखित में से कौन इस विचार को मानता है कि प्रामाणिक नैतिकता के क्षेत्रों में ज्ञान असंभव है? तो ऑप्शन ए ह्यूम, या फिर ऑप्शन बी समनर, या फिर ऑप्शन सी एयर, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ह्यूम, समनर और एयर। इन तीनों ने ही सब्सक्राइब किया है कि नॉलेज इज इम्पॉसिबल इन द रियल ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स, राइट। तो अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे। हु अमंग द फॉलोइंग मेंटेन्ड दैट द बेसिक सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड कंसिस्टेड ऑफ मैथमेटिकल एंटिटीज, नंबर्स, रिलेशंस, ज्योमेट्रिकल फिगर एंड सो ऑन। तो निम्नलिखित में से किसने कहा है कि दुनिया के मूल पदार्थों में गणितीय संस्थाएं शामिल है, संख्याएं, संबंध, ज्यामितीय आंकड़े और इसी तरह? तो ऑप्शन ए पार्मेनिडिस, या फिर ऑप्शन बी पिथागोरस, या फिर ऑप्शन सी प्रोटागोरस, या फिर ऑप्शन डी एनाक्सिमेंडर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी पिथागोरस, राइट। तो यहाँ पर जो कीवर्ड आप लोगों को ध्यान में रखना था वो कौन सा था, मैथमेटिकल एंटिटीज, नंबर्स, राइट, और ज्योमेट्रिकल फिगर। ये सारे कीवर्ड है पिथागोरस का, राइट। तो अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव्स दैट द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू एब्रोगेट बेसिक प्रिविलेजेस एंड बेसिक फ्रीडम्स, फॉर दीज फ्रीडम्स आर एंटीसीडेंट टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉम्पैक्ट बिटवीन रूलर एंड सब्जेक्ट्स। निम्नलिखित में से कौन ये मानता है कि सरकार को बुनियादी विशेषाधिकारों और बुनियादी स्वतंत्रताओं को निरस्त करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्रताएं शासक और प्रजा के बीच समझौते के समापन के पूर्वज है? तो ऑप्शन ए हॉब्स, या फिर ऑप्शन बी लॉक, या फिर ऑप्शन सी रूसो, या फिर ऑप्शन डी मार्क्स। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज याद रखना होगा। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी जॉन लॉक। तो जॉन लॉक ने कहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो राइट टू एबोर्गेट बेसिक प्रिविलेज एंड बेसिक फ्रीडम्स, फॉर दीज फ्रीडम्स आर एंटीसीडेंट टू द कंक्लूजन ऑफ द कॉम्पैक्ट बिटवीन रूलर एंड सब्जेक्ट्स, राइट। ये आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एडवोकेट्स रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म। तो निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक उपयोगितावाद की समर्थन करता है? तो ऑप्शन ए बेंथम, या फिर ऑप्शन बी मिल, या फिर ऑप्शन सी स्पेंसर, या फिर ऑप्शन डी सिडविक। तो सभी को आंसर करना है, ठीक है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सिडविक। तो सिडविक ने रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म को सब्सक्राइब किया है। अब देखो यहाँ पर रूल यूटिलिटेरियनिज्म जेस मिल ने सब्सक्राइब किया है, एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म बेंथम ने, मोटिव यूटिलिटेरियनिज्म रॉबर्ट मिरवी एडम्स ने, और आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म जी ई मूर ने सब्सक्राइब किया है, और नेगेटिव यूटिलिटेरियनिज्म कार्ल पोपर और जॉन वॉटकिंस ने सब्सक्राइब किया है, और प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म पीटर सिंगर और आर एम हेयर ने सब्सक्राइब किया है, और रैशनल यूटिलिटेरियनिज्म ये सिडविक ने एक्सेप्ट किया है, राइट। इसका एक न्यूमोनिक हम लोगों ने बनाया था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो जाइए जाकर देख लीजिए। यूटिलिटेरियनिज्म जो सेशन हम लोगों ने लिया था वहाँ पर डिस्कस किया था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा।
टू नो ए क्रिस्ट देयर मस्ट बी ए माइंड ऑफ क्रिस्ट हु सेस। तो मसीह को जानने के लिए मसीह का मन होना चाहिए, कौन कहता है? तो ऑप्शन ए टैगोर, या फिर ऑप्शन बी जय कृष्णमूर्ति, या फिर ऑप्शन सी राधाकृष्णन, या फिर ऑप्शन डी अंबेडकर। तो फ्रेंड्स, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी राधाकृष्णन। तो राधाकृष्णन ने कहा है कि टू नो ए क्रिस्ट देयर मस्ट बी ए माइंड ऑफ क्रिस्ट, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Which of the following pair suppose that illusion takes place because an account of mal observation of the distinction between two mental processes? तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मानता है कि भ्रम होता है क्योंकि दो मानसिक प्रक्रियाओं के बीच भेद के गलत अवलोकन के कारण होता है? तो ऑप्शन ए विपरीत खेती और उन्नत खेती, या फिर ऑप्शन बी अक्षेती और विपरीत खेती, या फिर ऑप्शन सी उन्नत खेती और अक्षेती, या फिर ऑप्शन डी अक्षेती और आत्मखेती। यस, बहुत बढ़िया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विपरीत खेती और उन्नत खेती। तो विपरीत खेती और उन्नत खेती ये मानता है कि भ्रम होता है क्योंकि दो मानसिक प्रक्रियाओं के बीच भेद के गलत अवलोकन के कारण, राइट। और जो अक्षेती और आत्मखेती है ये दोनों क्या मानता है ये आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना होगा। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द बुक डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन इज रिटन बाय, तो डायलॉग कंसर्निंग नेचुरल रिलीजन ये किसने लिखा है ये आप लोगों को बताना होगा। तो ऑप्शन ए डेकार्ट्स, या फिर ऑप्शन बी ह्यूम, या फिर ऑप्शन सी लॉक, या फिर ऑप्शन डी कांट। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर सिटिंग ऑन दिस सेशन क्विक। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ह्यूम। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू प्लेटो, तो प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूपों के बारे में सही है? तो ऑप्शन वन फॉर्म्स आर एक्चुअल एग्जिस्टेंस, ऑप्शन टू देयर इज डाइवर्सिटी इन फॉर्म्स, ऑप्शन थ्री फॉर्म्स आर सुपीरियर टू पार्टिकुलर्स। चूज द करेक्ट आंसर क्विकली। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। फॉर्म्स आर एक्चुअल एग्जिस्टेंस, देयर इज डाइवर्सिटी इन फॉर्म्स, और फॉर्म्स आर सुपीरियर टू पार्टिकुलर्स, राइट। ये तीनों ऑप्शंस सही है प्लेटो के अनुसार फॉर्म्स के बारे में, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द सब्सटेंस एंड फॉर्म्स आर, तो एरिस्टोटल के अनुसार पदार्थ और रूप ये क्या है? ऑप्शन ए इनसेपरेबल, या फिर ऑप्शन बी सेपरेबल, या फिर ऑप्शन सी मिक्स्ड, या फिर ऑप्शन डी अनसर्टेन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी को आंसर करना है, ठीक है? यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए इनसेपरेबल। तो एरिस्टोटल के अनुसार पदार्थों और उसका जो रूप है वो इनसेपरेबल है, राइट। उसको सेपरेबल नहीं किया जा सकता है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। Which characteristics is true about Kant's categorical imperative? तो कांट का जो categorical imperative है कौन सा statement सही है ये आप लोगों को बताना होगा। तो ऑप्शन ए these are universal, ऑप्शन बी these are the rules of pure reason, ऑप्शन सी they harmonize the individual and universal approaches, ऑप्शन डी all of these। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो जो कांट का जो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सा है? यूनिवर्सल है, राइट। ये रूल्स ऑफ प्योर रीजन भी है, और कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव हार्मोनाइजेस द इंडिविजुअल एंड यूनिवर्सल अप्रोचेस, राइट। इन तीनों ऑप्शन सही है।
अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए. द मीन्स आर ऑलवेज टू बी थॉट इन कंपैरिजन टू द एंड, दिस इज द ओपिनियन ऑफ. तो साधन हमेशा साध्यों की तुल्यता में सोचा जाना चाहिए, ये राय किसका है? तो ऑप्शन ए मार्क्स, या फिर ऑप्शन बी गांधी, या फिर ऑप्शन सी कांट, या फिर ऑप्शन डी मिल. जिन लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए. तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ. यस, तो जो मीन्स और एंड्स की जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया है? ये गांधी ने दिया है, राइट. और ये स्टेटमेंट ध्यान से याद रख लो, ठीक है. ये कई बार आप लोगों को ऑप्शंस में उल्टा दिखाई देगा. द मीन्स आर ऑलवेज टू बी थॉट इन कंपैरिजन टू द एंड्स, राइट. तो मीन्स पहले आएगा, एंड्स लास्ट में आएगा, राइट. अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए. नेम द ऑथर ऑफ द फेमस एंथोलॉजी लिंग्विस्टिक टर्न. तो प्रसिद्ध एंथोलॉजी लिंग्विस्टिक टर्न के लेखक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए एलिस एम्ब्रोस, या फिर ऑप्शन बी रॉबर्ट आर अमरमैन, या फिर ऑप्शन सी रिचर्ड रॉटरी, या फिर ऑप्शन डी जी ई एम एनस्कॉम. सभी को आंसर करना है, ठीक है. जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रिचर्ड रॉटरी, राइट. तो ये जो एंथोलॉजी लिंग्विस्टिक टर्न ये किसने लिखा है? ये रिचर्ड रॉटनी ने लिखा है, राइट. अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए. द फिलोसोफर दैट रिफ्यूटेड द स्टेटमेंट टू बी इज टू बी परसिव्ड. तो दार्शनिक जिसने इस कथन का खंडन किया कि होना है माना जाना है, टू बी इज टू बी परसिव्ड. तो आप लोगों को यहाँ पर दो आंसर बताना होगा कि किसने खंडन किया है इस स्टेटमेंट को और किसने इस स्टेटमेंट को दिया है. तो जल्दी से कमेंट सेक्शन पे लिखो. यस, तो इस जो स्टेटमेंट को खंडन किया है वो है जी ई मूर, और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? बार्कले ने दिया है, राइट. अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए. डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी ऑफ मोरालिटी इज ग्राउंडेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ. तो नैतिकता का सिद्धांतवादी सिद्धांत ये किसकी अवधारणा पर आधारित है? ऑप्शन ए वैल्यू, या फिर ऑप्शन बी ड्यूटी, या फिर ऑप्शन सी वर्चू, या फिर ऑप्शन डी ऑब्लिगेशन. यस, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए. यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ड्यूटी. अब डियोन्टोलॉजिकल थ्योरी ये किसने सब्सक्राइब किया है? ये कांट ने सब्सक्राइब किया है, राइट. और कांट ने क्या बोला है कि ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, राइट. तो कांट का मेन एम ही है ड्यूटी, राइट. तो इस वजह से ऑप्शन बी ड्यूटी इज द करेक्ट आंसर. अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए. इफ़ ए एंड बी आर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एक्स एंड वाई आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज ट्रू. तो यदि ए और बी सत्य कथन है और एक्स और वाई झूठे कथन है तो निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कथन सत्य है, ये आप लोगों को बताना होगा. तो ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए. अब आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का. यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी ए इम्प्लाइज एक्स इम्प्लाइज वाई इज ट्रू. आप देखो क्यों ट्रू है. तो देखो ए इम्प्लाइज एक्स मतलब टी इम्प्लाइज एफ इम्प्लाइज एफ, राइट, वाई फॉर एफ. तो देखो टी इम्प्लाइज एफ मतलब एफ, एफ इम्प्लाइज एफ मतलब ट्रू, राइट. और बाकी सारे ऑप्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए. फाइंड द ऑड पेयर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सेम स्कूल और ट्रेंड. तो ऑप्शन ए डेकार्ट्स स्पिनोजा, ऑप्शन बी लॉक और ह्यूम, ऑप्शन सी विट्गेनस्टाइन और कार्नेप,
ऑप्शन डी डेकार्ट्स और लॉक। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी डेकार्ट्स और लॉक। ये क्यों है? देखो, डेकार्ट्स और स्पिनोजा ये तो रैशनलिस्ट फिलोसोफर है, और लॉक और ह्यूम ये क्या है, एम्पिरिसिस्ट फिलोसोफर्स है, राइट। और उडगेनस्टाइन और कार्नाप ये एनालिटिक्स फिलोसोफर है, और डेकार्ट्स तो रैशनलिस्ट है, और जो लॉक है वो एम्पिरिसिस्ट है, राइट। तो इस वजह से डेकार्ट्स और लॉक ये ऑड है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द फिलोसोफर दैट सब्सक्राइब्ड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इननेट आइडियाज, तो दार्शनिक जिसने जन्मजात विचारों के सिद्धांत की सदस्यता ली, तो ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी ह्यूम, ऑप्शन सी डेकार्ट्स, या फिर ऑप्शन डी बार्कले। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी डेकार्ट्स। तो डेकार्ट्स ने इननेट आइडियाज को सब्सक्राइब किया है, और जो लॉक ह्यूम और बार्कले ये इन तीनों ने इननेट आइडियाज को क्रिटिसाइज किया है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन व्हिच अमंग द फॉलोइंग वर्क सात्रे ट्राइड टू रिकॉन्सिल एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड मार्क्सिज्म, तो निम्नलिखित में से किस कार्यों में सात्रे ने अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद में सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया, तो ऑप्शन ए बीइंग एंड नथिंगनेस, या फिर ऑप्शन बी नोसिया, या फिर ऑप्शन सी क्रिटिक्यू ऑफ डायलेक्टिकल रीजन, या फिर ऑप्शन डी एग्जिस्टेंशियलिज्म एंड ह्यूमनिज्म। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और एक स्टैटिक क्वेश्चन भी है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी क्रिटिक्यू ऑफ डायलेक्टिकल रीजन। अब देखो यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर जहाँ पर सत्रे ने क्रिटिक्यू ऑफ डायलेक्टिकल रीजन जो ग्रंथ है वो लिखा है, और उन्होंने इस ग्रंथ में जो एग्जिस्टेंशियलिज्म और जो मार्क्सिज्म है उन दोनों को सामंजस्य करने के लिए प्रयास किया है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हाट इज़ द मेन मोटिव ऑफ टोटल रिवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू जेपी नारायणा, तो जेपी नारायण के अनुसार संपूर्ण क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन ए टू ब्रिंग कम्युनलिज्म, ऑप्शन बी टू ब्रिंग आइडियल ऑफ सर्वोदय, या फिर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, पहले ये ध्यान में रखिए कि जेपी नारायणा ये टोटल रिवोल्यूशन दिया था, और एक भी बात किया है जो कि है पार्टीलेस डेमोक्रेसी, राइट। ये दो कीवर्ड आप लोगों को याद में रखना होगा। अब देखो, जो टोटल रिवोल्यूशन का जो मेन मोटिव है वो क्या है, टू ब्रिंग कम्युनलिज्म और टू ब्रिंग आइडियल ऑफ सर्वोदय, राइट। ये दोनों ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैच लिस्ट पूछा गया है, तो लिस्ट वन में है अंतपाल, मिनिस्टर और पार्टेंटा युवराज, और लिस्ट टू में है किंग सक्सेसर, जज, सुप्रीम पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी ऑफ विलेज। तो जल्दी से इसको मैच करो। तो देखो, यहाँ पर अंतपाल का मीनिंग क्या है कि सिक्योरिटी ऑफ विलेज, राइट। अंतपाल कौन होता है, जो विलेज का सिक्योरिटी होता है उसको अंतपाल बोला जाता है। तो ए को फोर से मिलाओ तो देखो ये फोर होगा ना, तो देखो एक ही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, राइट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। आप देखो बी को थ्री से मिनिस्टर क्या है कि सुप्रीम पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और पार्टेंटा ये क्या है, ये जज है, राइट। और जो युवराज है वो क्या है, किंग सक्सेसर है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट फॉर फिलोसोफर्स इन एनवायरमेंटल एथिक्स, तो पर्यावरण नैतिकता में दार्शनिकों के लिए रुचि के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित में से
कौन सा है? तो ऑप्शन ए एनवायरमेंटल वैल्यू, या फिर ऑप्शन बी डीप इकोलॉजी, या फिर ऑप्शन सी एंडेंजर्ड स्पीसीज एंड इट्स रिस्टोरेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ओके, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, एनवायरमेंटल एथिक्स की बात किया है ना, तो ये सारे के सारे आ जाएगा, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू लाइबनिज थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो लाइबनिज के ज्ञान के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन ए ऑल नॉलेज लाइज इम्प्लिसिट इन द माइंड, एक्सपीरियंस डज नॉट क्रिएट नॉलेज, ऑप्शन सी यूनिवर्सल एंड नेसेसरी प्रोपोजिशंस कैन ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेंसेस, या फिर ऑप्शन डी लाइव न्यूज एसर्ट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आंसर करिए। यहाँ पर फॉल्स लिखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो यूनिवर्सल एंड नेसेसरी प्रोपोजिशंस कैन ओनली बी डिराइव्ड फ्रॉम द सेंसेस। यहाँ पर सेंसेस नहीं होता है, ये माइंड होता है, क्योंकि देखो लाइबनिज तो एक रैशनलिस्ट फिलोसोफर है, राइट। तो इन्होंने कैसे सेंसेस को एक्सेप्ट करेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले सभी ने एक बार थम्स अप दीजिए, ताकि पता चले कितने सारे एक्टिव है। आर वी रेडी? तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म इज। तो जैन धर्म के तीन रत्नों का सही क्रम क्या है, ये आप लोगों को बताना होगा। तो ऑप्शन ए सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, ऑप्शन बी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ऑप्शन सी सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, ऑप्शन डी सम्यक चरित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। तो पहले सम्यक दर्शन आएगा और लास्ट में आएगा सम्यक चरित्र, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पनिशमेंट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन ए क्रिमिनल इन ऑर्डर टू रिफॉर्म और एडुकेट हिम इज द व्यू ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी। तो अपराधी को सुधारने या शिक्षित करने के लिए दंड दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का विचार है? तो ऑप्शन ए डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ऑप्शन बी रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, ऑप्शन सी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। यहाँ पर जो कीवर्ड है आप लोगों को ध्यान देना था, वो क्या है? रिफॉर्म और एडुकेट, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैन मेकिंग एजुकेशन इज एडवोकेटेड बाई। तो मानव निर्माण शिक्षा की वकालत किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए गांधी एंड विवेकानंद, ऑप्शन बी विवेकानंद एंड श्री अरविंद, ऑप्शन सी गांधी एंड अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन डी विवेकानंद। ऑल द स्टूडेंट्स दोज आर सिटिंग ऑन दिस सेशन आंसर दिस क्वेश्चन। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी विवेकानंद। तो मैन मेकिंग एजुकेशन इज एडवोकेटेड बाय विवेकानंद, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, व्हिच अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज एज पर्पस ऑफ दंडनीति। तो कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दंडनीति के उद्देश्य के रूप में पहचान करता है? तो ऑप्शन ए एक्विजेशन ऑफ द अनएक्वायर्ड, ऑप्शन बी प्रिजर्वेशन ऑफ द एक्वायर्ड, ऑप्शन सी आर्गुमेंटेशन ऑफ द प्रिजर्व्ड, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
तो देखो जो एक्विजिशन ऑफ द अनएक्वायर्ड, प्रिजर्वेशन ऑफ द एक्वायर्ड और आर्गुमेंटेशन ऑफ द प्रिजर्व्ड, ये सारे के सारे ये दंड नीति के जो पर्पसेस है वो है। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिप्लेस्ड, तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को बदल दिया गया जा सकता है। तो ऑप्शन ए द फोर्स थ्योरी, ऑप्शन बी डिवाइड ओरिजिन थ्योरी, ऑप्शन सी पैट्रियार्की थ्योरी, ऑप्शन डी मैट्रिकल थ्योरी। तो फ्रेंड्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी रिप्लेस्ड, तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत को बदल दिया गया है डिवाइड ओरिजिन थ्योरी, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, ठीक है, उसको ध्यान से पढ़ लेना है। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर द मोरल राइट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, तो निम्नलिखित में से कौन गर्भवती महिलाओं के नैतिक अधिकार है। तो ऑप्शन ए राइट टू ओनरशिप ऑफ हर आवर बॉडी, ऑप्शन बी राइट टू डिसाइड हर आवर फ्यूचर, ऑप्शन सी राइट टू टेक डिसीजन विदाउट मोरल एंड लीगल इंटरवेंशन, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यस, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो देखो यहाँ पर प्रेग्नेंट वोमेन की जो मोरल राइट्स है उसके बारे में बात किया है। तो देखो राइट टू ओनरशिप ऑफ आर आवर बॉडी, तो ये तो राइट है उसके पास, राइट, और राइट टू डिसाइड हर आवर फ्यूचर, राइट, ये भी सही है, राइट टू टेक डिसीजन विदाउट मोरल एंड लीगल इंटरवेंशन, ये भी ठीक है, राइट, तो इस वजह से ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेचुरल राइट इज वन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द व्यू हेल्ड बाई, तो प्राकृतिक अधिकार आत्मसंरक्षण में से एक है, ये किसका मत है। तो ऑप्शन ए हॉब्स, या फिर ऑप्शन बी पेन, या फिर ऑप्शन सी कांट, या फिर ऑप्शन डी एक्विजिशन। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए हॉब्स। तो ये जो सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात किया है वो हॉब्स ने किया है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में किया है, राइट, और ये एक स्टडी क्वेश्चन है तो आप लोगों को एज इट इज़ याद भी रखना होगा, ठीक है। नेचुरल राइट इज वन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द व्यू हेल्ड बाय हॉब्स, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स दैट द पॉलिटिकल पावर्स आर द हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द मैटर्स ऑफ मॉरलिटी, निम्नलिखित में से कौन ये मानता है कि नैतिकता के मामलों में राजनैतिक शक्तियाँ अपील की सर्वोच्च अदालत है। तो ऑप्शन ए स्पेंसर, ऑप्शन बी मिल, या फिर ऑप्शन सी कांट, या फिर ऑप्शन डी हॉब्स। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, इस क्वेश्चन का भी आंसर है ऑप्शन डी हॉब्स, राइट। तो हॉब्स का ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। द पॉलिटिकल पावर्स आर द हाइस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द मैटर्स ऑफ मॉरलिटी, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वेस्टर्न फिलोसोफर्स ट्रूथ इज सब्जेक्टिव कंडीशन नॉट एन ऑब्जेक्टिव वन, तो निम्नलिखित में से किस पश्चिमी दार्शनिक के अनुसार सत्य वस्तुनिष्ठ नहीं व्यक्तिपरक स्थिति है। तो ऑप्शन ए कियरकेगार्ड, या फिर ऑप्शन बी ह्यूम, या फिर ऑप्शन सी कांट, या फिर ऑप्शन डी विलियम जेम्स। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए कियरकेगार्ड। तो कियरकेगार्ड के अनुसार ट्रूथ इज सब्जेक्टिव कंडीशन नॉट एन ऑब्जेक्टिव वन, राइट। अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से देखा है तो आप लोगों को जरूर याद में होगा कि जो कियरकेगार्ड है वो सब्जेक्टिव ट्रूथ के बारे में बात किया है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द लाइट ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड मार्क द करेक्ट कोड,
तो ऑप्शन वन, बोथ विलियम जेम्स एंड सी एस पीयर्स एग्री कॉम्प्लीटली ऑन द मेथड ऑफ प्रैग्मेटिज्म, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन टू, विलियम जेम्स एंड बियॉन्ड पीयर्स इन प्रेजेंटिंग ए मॉरल थ्योरी ऑफ प्रैग्मेटिक ग्राउंड्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? या फिर ऑप्शन सी, ऑप्शन थ्री, सी एस पीयर्स कॉल्ड हिज ओन थ्योरी एज प्रैग्मेटिज्म, क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब लोगों को बताना होगा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मतलब टू एंड थ्री आर ट्रू। तो विलियम जेम्स एंड बियॉन्ड पीयर्स इन द प्रेजेंटिंग ए मॉरल थ्योरी ऑन प्रैग्मेटिक ग्राउंड्स और सी एस पीयर्स कॉल्ड हिज ओन थ्योरी एज प्रैग्मेटिसिज्म, और स्टेटमेंट वन, बोथ विलियम जेम्स एंड सी एस पीयर्स एग्री कम्प्लीटली ऑन द मेथड ऑफ प्रैग्मेटिज्म, ये स्टेटमेंट गलत है। राइट, अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द व्यू दैट लैंग्वेज हैज़ मल्टीपल फंक्शंस टू परफॉर्म इज रिलेटेड टू, ये विचार कि भाषा के प्रदर्शन करने के लिए कई कार्य है, किसके संबंधित है? तो ऑप्शन ए, पिक्चर थ्योरी ऑफ मीनिंग, ऑप्शन बी, यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग, ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, या फिर ऑप्शन डी, नेदर ए नॉर बी। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग। तो देखो, यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, राइट, परफॉर्मेंस करने की, तो यहाँ पर यूज की बात हो रही है, राइट, तो यूज थ्योरी ऑफ मीनिंग इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई विल किल यू इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीच एक्ट्स अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, तो ऑस्टिन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्पीच एक्ट है कि आई विल किल यू? तो ऑप्शन ए, लोकेशनरी, या फिर ऑप्शन बी, इलोकेशनरी, या फिर ऑप्शन सी, पार्लोकेशनरी, या फिर ऑप्शन डी, नॉन लोकेशनरी। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इलोकेशनरी एक्ट, राइट। तो ऑस्टिन के अनुसार ये जो आई विल किल यू, ये जो एग्जांपल है, ये इलोकेशनरी एक्ट का, इलोकेशनरी स्पीच एक्ट का एक एग्जांपल है, राइट। अब आप लोगों को बताना होगा कि लोकेशनरी एक्ट क्या है और पार्लोकेशनरी एक्ट क्या है, राइट, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज़ द राइट सीक्वेंस ऑफ ट्राइबल प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू श्री अरविंदो, तो श्री अरविंदो के अनुसार विकास की ट्रिपल प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए, हाइटनिंग, ऑइडनिंग एंड इंटीग्रेशन, ऑप्शन बी, ऑइडनिंग, हाइटनिंग एंड इंटीग्रेशन, ऑप्शन सी, इंटीग्रेशन, हाइटनिंग एंड ऑइडनिंग, या फिर ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑइडनिंग, हाइटनिंग एंड इंटीग्रेशन। तो आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो कि WHI, राइट, W फॉर ऑइडनिंग, H फॉर हाइटनिंग एंड इंटीग्रेशन, I फॉर इंटीग्रेशन। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रिसीरिन कैन बी रिपेड बाय, तो रिसीरिन को कैसे चुकाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए, ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी, परफॉर्मिंग यज्ञ, ऑप्शन सी, गिविंग बर्थ टू ए सन, ऑप्शन डी, हेल्पिंग द पोर। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस, तो रिसीडेंट को रिपेट किया जा सकता है बाय ब्रह्मचर्य, राइट, ब्रह्मचर्य पालन करने से रिसीडेंट चुका जा सकता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मार्क द इनकम्पेटिबल विथ ह्यूम्स फिलोसफी, तो ह्यूम के दर्शन के साथ असंगत को चिन्हित करें। तो ऑप्शन ए, देयर इज नो सच थिंग्स एज कॉजल रिलेशन, क्या ये इनकम्पेटिबल है? या फिर ऑप्शन बी, द वर्ल्ड एंड इट्स चेंजेस आर बिकॉज ऑफ गॉड्स सुप्रीमेसी, क्या ये इनकम्पेटिबल है? ऑप्शन सी, द सो कॉल्ड सेल्फ इज ओनली एन एग्रीगेट ऑफ मेंटल स्टेट्स,
क्या ये इनकम्पेटिबल है, या फिर ऑप्शन डी ऑल दैट कैन बी नोन कुड बी डिवाइडेड इनटू मैटर्स ऑफ फैक्ट एंड रिलेशंस ऑफ आइडियाज, क्या ये इनकम्पेटिबल है ह्यूम के फिलोसफी के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर इनकम्पेटिबल पूछा है ध्यान से। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, द वर्ल्ड एंड इट्स चेंजेस आर बिकॉज ऑफ गॉड्स सुप्रीमेसी। तो ये ह्यूम के साथ असंगत है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये एक एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, और ये डेकार्ट्स जो फिलोसफी है उससे रिलेटेड है। तो व्हाट एवर इज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट मस्ट नेसेसरली बी ट्रू, ये एसर्शन है। और रीजन क्या है, नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज। तो ऑप्शन ए, बोथ एसर्शन और रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। या फिर ऑप्शन बी, एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। या फिर ऑप्शन सी, एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। और ऑप्शन डी, बोथ एसर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, बोथ एसर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड रीजनिंग इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। तो देखो, जो डेकार्ट्स का फिलोसफी है, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि व्हाट एवर इज क्लियर एंड डिस्टिंक्ट मस्ट नेसेसरली बी ट्रू। और रीजन क्या है कि नॉलेज इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ क्लियर एंड डिस्टिंक्ट आइडियाज। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, और इन दोनों के साथ प्रेम संबंध भी है, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू सेंट एंसेलम एंड मार्क द करेक्ट कोड। तो सेंट एंसेलम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट अंकित करें। तो ऑप्शन वन, ही अटेम्प्टेड टू फाइंड नेसेसरी रीजंस फॉर द ट्रूथ्स ऑफ द फेथ। ऑप्शन टू, आई बिलीव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। ऑप्शन थ्री, बाय गॉड वी मीन दैट देन व्हिच नो ग्रेटर कैन बी थॉट। तो करेक्ट कोड को चूज करें। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल वन टू एंड थ्री आर ट्रू। मीन्स ही अटेम्प्ट्स टू फाइंड नेसेसरी रीजन फॉर द ट्रूथ्स ऑफ द फेथ, ये स्टेटमेंट सही है। आई बिलीव इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ये भी सही है। और बाय गॉड वी मीन दैट व्हिच नो ग्रेटर कैन बी थॉट, ये स्टेटमेंट भी सही है सेंट एंसेलम के अकॉर्डिंग, राइट। अब अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अकॉर्डिंग टू बल्लभ ब्रह्म इज, तो बल्लभ के अनुसार ब्रह्म क्या है। ऑप्शन ए, निर्गुणा ओनली। ऑप्शन बी, सगुणा ओनली। या फिर ऑप्शन सी, बोथ निर्गुणा एंड सगुणा। या फिर ऑप्शन डी, नेदर निर्गुणा नॉर सगुणा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सगुणा ओनली। तो बल्लभाचार्य के अकॉर्डिंग ब्रह्म क्या है, सगुण ब्रह्म, राइट। अब निर्गुण ब्रह्म ये किसने एक्सेप्ट किया है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना होगा। अब अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इन मीमांसा फिलोसफी ऑल द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस आर ट्रू एक्सेप्ट। तो मीमांसा दर्शन में निम्नलिखित सभी प्रस्ताव सत्य है सिवाय एक के छोड़कर, तो वो कौन सा है। तो ऑप्शन ए, मीमांसा अपहोल्ड्स द थ्योरी ऑफ स्वतः प्रमाण्यवाद। ऑप्शन बी, सेल्फ इज कंसिडर्ड एज एक्टिव। ऑप्शन सी, वेदास आर ओपरिश्य। ऑप्शन डी, द परसेप्चुअल एरर इन केस ऑफ सिल्वर इल्यूशन इज बिकॉज ऑफ अध्यासो। यस, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, सेल्फ इज कंसिडर्ड एज एक्टिव। तो ये स्टेटमेंट मीमांसा फिलोसफी के अकॉर्डिंग ये फॉल्स है, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को मैच करना होगा। तो देखो, लिस्ट वन में है पक्ष धर्मता, राइट, विपक्ष सत्य, बाधित और विरुद्ध। और लिस्ट टू में है फायर इज कूल, साउंड इज इटर्नल एज इट कॉज्ड,
स्मोक इज प्रेजेंट इन द हिल और फायर इन द लेक, राइट। तो जल्दी से इसको मैच करके कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइए। अब देखो पक्षधर्मता ये कौन सा हो जाएगा, ये स्मोक इज प्रेजेंट इन द हिल, राइट। तो ए को थ्री से मिलाओ तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो बी को फोर से विपक्ष सत्ता, ये क्या हो जाएगा, फायर इन द लेक, राइट। अब देखो सी को वन, फायर इज कूल, राइट, ये बाधित हत्याभास हो जाएगा। अब विरुद्ध हत्याभास कौन सा हो जाएगा, टू, मीन्स साउंड इज इटर्नल एज इट कॉज्ड, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू इतने टाइम हमारे साथ स्पेंड करने के लिए। एक ज़रूरी बात, सभी ने टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी क्विज होता है। और टेलीग्राम चैनल का नाम है फिलोसॉफिकल स्टडी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारा ऑफिशियल फेसबुक पेज फिलोसॉफिकल स्टडी को भी लाइक शेयर और फॉलो कर दीजिए। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।